सबसे पहले तो हम ये इसको खोलेंगे, ये सारे नाकाबंदी। ये रेड लॉक है, ये लॉक को खोलना बहुत जरूरी है। आमतौर पे लोग खोलते नहीं है जब बैलेंस लेके जाते हैं, फिर वहां से फोन आता है कि बैलेंस चलता नहीं है, तो ये खोलना बहुत जरूरी है। ये दो पॉइंट, ये साइड की चद्दर ऐसे निकलेगी, ये स्पंज से इसको निकालना है ताकि बैलेंस फ्री हो जाए। और एक लॉक के नीचे ये दो ब्लैक इसका सपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाते हैं, इसको निकाल के रख ही देना है। मैं आपके सामने कर ही रहा हूं। जब इसको वापस टाइट करेंगे तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे रहा तो यहां टच कर जाएगा। बड़ा ही संभल करके ये सेकंड लॉक ओपन किया मैंने, इसको भी दूर करना है बिल्कुल यही पोजिशन में। और फिर ये बीम है, बीम को ऐसे अद्धर करोगे तो ये अपना ये ब्लैक पॉट निकल जाएगा, ये निकालना जरूरी है। बैलेंस को मैंने पूरा अंदर से रिमूव कर दिया है, बिल्कुल फ्री फ्लो हो गया है। इसके बाद मैं नीचे इसके लेग्स लगाऊंगा, जो जरूरी है लगाने के लिए, इसलिए कि ये हमको यहां जो दिख रहा है ये एयर बबल है, वाटर लेवल है। इसको सबसे पहले हम मिलाएंगे लेग्स लगाने के बाद। लेग्स सारे के सारे पार्ट्स इस प्लास्टिक की थैली में रहते हैं जिसको हम पैन कहेंगे, इसीलिए इसका नाम सिंगल पैन रखा हुआ है। अब इनको खोलते हैं आहिस्ता से, थोड़ी मदद। देखिए हमारे भरत भाई ये जो चलाने वाले बैलेंस सूरत से हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा। वैसे आप लोग को भी मेहनत करनी है, कभी मैं आऊं तो लेग्स लगा रहा हूं मैं। बढ़िया प्लास्टिक के लेग्स है ताकि इसमें कभी काट वगैरह लगे नहीं। और ये हमारा बैलेंस तैयार है अपनी मेहनत करने के लिए। मैं अब इसका एयर बबल सेट करूंगा जो आपको पहले दिखाया था मैं। एयर बबल सेट हो गया, काम खत्म। अब ये नॉब्स, ये जो नॉब्स है ये आगे लगेंगे, पुश करने हैं सिर्फ। और ये पेन को जब भी लगाएंगे हम इसको ऐसे करके लगाएंगे, ये सेंटर में लगेगा यहां पर ऐसे, मगर ये सब बंद पोजीशन में ही करना है। आपने चालू पोजीशन में किया ना? नहीं, चालू पोजीशन का है, बंद है, बंद है ना, बंद है। ये दो नॉब रहे हैं, एक फ्रंट में लगेगा और ये लगेगा बैक में। ये ऑपरेटिंग नॉब है, ये लग गया साइड में, यहां से हम जब भी हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये चलना चाहिए पूरा। जब ये चलेगा ये डॉब पूरा अप एंड डाउन होगा। ये आगे से रबर बैंड में इसको अलग कर दूं। इस
इसको बोलेंगे क्रॉस प्लेट। ये क्रॉस प्लेट अगर आपके मिस हैंडलिंग की वजह से ऐसे हो जाएगी तो आपका बैलेंस डेड। ऐसी सिचुएशन में आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ है, और आप कॉल कर लोगे मुझे, और आप जितनी भी दूरी पे हो गए, मेरा चार्ज वैसे होता है तो आपको खामखा ज्यादा चार्ज लग जाए, वैसा काम ना हो, इसलिए पूरी तरह से मैं गाइड कर रहा हूँ भरत भाई को। भरत भाई आप प्लीज यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए ये क्रॉस प्लेट है, मगर ये दोनों स्क्रू के बीच में ये लगेगा ऐसे, और यहां पर भी ऐसा है, ये देख लेना है कभी भी ऐसा हो तो। वैसे निकलता नहीं है ये जस्ट मैंने आपको दिखाया ताकि ऐसा इन फ्यूचर में हो सकता है, चालू बैलेंस में कोई हिला दे तो ठीक है। अब हम इसको सप्लाई देंगे, इसकी कोड है, कोड आसानी से मिल जाती है, कंप्यूटर के प्रिंटर की भी कोड आप लगा सकते हो, सस्ते में मिल जाएगी, मेरे पास से लोगे तो 250-300 रुपए की आएगी, मेरे पास से मत मंगाइएगा। पीछे डालनी है ये, यस ये हमारा बैलेंस, सारे फिगर को हम जीरो करेंगे, सुन जीरो, फर्स्ट नॉब 100 ग्राम के लिए सिर्फ, ये 10 ग्राम से 90 ग्राम के लिए चलेगा, और ये चलेगा 1 ग्राम से 9 ग्राम के लिए ठीक है। अभी सब जीरो जीरो है, अब हम इसको चालू करेंगे बैलेंस, हमको अंदर लाइट जलेगा और जीरो इंडिकेट होना चाहिए। अभी हमको ये शो कर रहा है 45-44 के बीच में, 45 है ना, ये जीरो होना चाहिए। अब वो जीरो कैसे करेंगे वो हम देख, मैं दिखाता हूं आपको, आपको खास देखना है, वो बैलेंस कहीं रुक रहा है, यानी इंस्टॉल अभी बरोबर हुआ नहीं है, है ना, रुक रुक के चल रहा है ना, दैट मीन्स का बैलेंस अभी इंस्टॉल सही ढंग से नहीं हुआ है, वो देखते हैं। ए बेज में जीरो ऊपर रहा नहीं, वो तो ठीक है, वो थोड़ा प्ले रहता है, वो टेंशन नहीं है, वो तो अभी मैं कर देता हूं आपको, देखो 56 दिखा दिया तो ये गलत है, कहीं अंदर मिस्टेक होगी, मैं दिखा रहा हूं। ऐसा तब भी हो तब हमारा बैलेंस लेवल में नहीं हो, उसके अंदर प्ले वो प्ले रखी 1 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके डन। अभी देखो जो हमको दिख रहा था 45, ये डिस्प्ले पर 45 दिख रहा था, उसको हम कम करेंगे, कैसे करेंगे तो कम यहां से करेंगे, ये नॉब खास ध्यान रखना है भरत भाई, आप देखिए खास ये वाला नॉब, इसको हम पीछे ले जाएंगे ऐसे तो वेट कम दिखेगा, 5 नहीं साइड ले जैसे लो छू दिखा से 4-5 आटा में फिर भी ना किया, अब यहां जो इसके लूप फर्क पड़ियो, सत्याईस 28 नहीं आसपास आएगी, चालू नहीं, चालू में नहीं, बंद करने 5-6 आटा फिर अंदाज थी फिरवा हुई भरत, समझे रहे सर, अगर हिंदी में बोली गो चाल से ना चाले चाले हिंदी में चमार बिजनेस से बतो तोड़ो को जी 11 पर आएगी बार बार, हाथ ले ले बहुत है उधर दे, हाँ बस आज आज पूछो मांग दो तुम्हें ये जूता रख भरत तुम्हें आइडिया है जी, थोड़ा थोड़ा माइनर बस बंद बस, बरोबर
हवाई जैसा ये तो कता चले तो पण के जोन में हां तो मैं जस्ट बता रहा हूं मैंने मारे मारे तो पूरा बताऊ पड़े ना એટલે હું તમને બતાવી રહ્યો છું કે 07 સાથે ચાલે આપ દેખો આ જ્યાં સુધી તમે લીધું ત્યાંથી કરી નાખો પણ અત્યારે નવું છે તો મારે તે પ્રમાણે તમને બતાવવું પડે ને આપણો પ્લેટફોર્મ બરોબર નથી પણ ઠીક છે તમને ડેમો આપી રહ્યો છું 02 છે કે 04 હવે આટલું હોય ને તમે અહીંથી કરી શકો છો સાઈડમાં જે ફાઇન એડજસ્ટમેન્ટ હે આપ સાઈડ સે કર સકતે હૈ आपका 00 हो गया पीछे वाले बटन हाँ, पीछे वाला बटन चालू से चालू में वो चालू में करने का ये तो खाली पूरा प्रिज्म है प्रिज्म है खाली आगे पाछे बढ़ाए એટલે જો આપણે 00 આવી ગયો હવે તમારે 1 ગ્રામ વજન કરવું હોય તો તમે મટીરિયલ નાખીને તમે હવે જે ભી તમારી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ પ્રોસેસ તમને ખબર છે ને એ તો ખબર છે તમને તમને જોયું નહીં ના હવે તમારા પાસે છે એ અમારા નહીં નહીં હું ખાલી બેલેન્સ લઈને આવ્યો છું કાગળ આપો તો ભી ચાલશે વાંધો નહીં એ હો ગયા પૂરા બેલેન્સ રેડી ટુ યુઝ ઉમ્મીદ કરતા હું આપકો સમજ માં આ ગયા હોગા હમ